इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के नियमितीकरण में फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसके बाद संविदा कर्मचारियों ने गुरुवार को अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों का कहना है कि नियमितीकरण में अधिकारियों द्वारा खुलकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसके खिलाफ खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में कर्मचारियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और नियम विरुद्ध नियमितीकरण को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की। मध्यप्रदेश शासन ने 253 पद कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु सर्जित किए थे। विश्वविद्यालय ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने कर्मचारियों के आवेदन मंगा के विभाग की अनुशंसा मंगवाई और कर्मचारियों को पात्र अपात किया गया, जबकि कार्यरत कर्मचारियों पे किसी प्रकार का नियम लागू नहीं होता है। विश्वविद्यालय में वर्षों से 3 बच्चे वाले और 45 साल की उम्र वाले लोगों को नियमित किया जाता रहा है और अभी हम पे सारे के सारे नई नियुक्ति के नियम लगा दिए। नई नियुक्ति के नियम तभी लगते हैं जब विज्ञापन होता है और हमें नई नियुक्ति मान के नाम से इन लोगों ने हमें आपात करके बाहर कर दिया है। हम हॉस्टल में काम करते करते 22-23 साल हो गए और आज हमें 45 साल की उम्र लगा के नेम लगा के हमको बाहर कर दिया। जो कल के आए हुए 5-5 साल हुए उन्हें तो परमानेंट कर दिया और अब हमारा बुढ़ापा का सहारा क्या है? बुढ़ापे में हमें धक्का दे दिया इन्होंने। हम चाहते हैं कि जैसे इनको निमित किया गया वैसे हमारों को भी करे, क्योंकि हमारी 254 पोस्ट होके आई थी, हो चुकी थी और अब इन लोगों ने धांधली कर दी, तो हमारा निवेदन है कि हमें भी परमानेंट किया जाए बस। कर्मचारियों का कहना है कि शासन ने 2013 में 253 पदों पर संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश दिए थे, जिस पर अधिकारियों ने नियमों के विरुद्ध ही कर्मचारियों को नियमित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।